फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। आज की जो वीडियो है हमारी, वो स्पाइडर प्लांट पर है। रूट बाउंड हो चुके स्पाइडर प्लांट को कैसे रिपोर्ट किया जाता है और उसे कब रिपोर्ट करना चाहिए और क्यों रिपोर्ट करना चाहिए, तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं। चलिए मैं आपको इधर भी दिखा दूँ। तो यह है मेरा स्पाइडर प्लांट और इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की है फ्रेंड। तो ये दो प्लांट तो मैंने रिपोर्ट कर दिए थे, तो आप लोग से नहीं शेयर किया था क्योंकि शाम जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और एक प्लांट जो है रिपोर्ट करना बाकी है, तो इसे मैं अभी रिपोर्ट करूँगी। स्पाइडर प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी जो है हमारे गार्डन में ऐड करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह प्लांट जो है ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है, तो इंडोर प्लांट में ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप इसे घर के अंदर भी जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो वहाँ भी रख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये देखने में। और ये जो प्लांट है इसे अगर आपने पॉट में लगा के रखा है तो 2 साल से अधिक का समय अगर हो गया है उसी गमले में लगे हुए, तो आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये जो प्लांट है वो गमले में बहुत ही अच्छे से चलता रहे। स्पाइडर प्लांट में इस तरह के बेबी प्लांट निकलते रहते हैं फ्रेंड, तो उसी को कट करके अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो ढेर सारे प्लांट जो है आपके फ्री में बन जाएंगे। और चलिए हम इसे अब निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इसकी जड़ जो है बिल्कुल इस तरह से नीचे से निकल रही है फ्रेंड। तो देखिए हल्के हल्के से टैप टैप करने से हमारा प्लांट जो है बहुत ही आसानी से निकल गया इसमें से। और देख सकते हैं आप कितनी अधिक इसमें इस तरह से रूट जो है वो बनी हुई है। तो लगभग 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था फ्रेंड। और देखिए इसमें इसके नीचे आप देख सकते हैं जो स्पाइडर प्लांट होता है इसके नीचे ट्यूबर होते हैं फ्रेंड, इसमें पानी जो है भरा रहता है। देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसमें मिट्टी जो है बहुत ही कम है और देखिए इसमें जड़ ही जड़ है बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चाकू की मदद से ही मैं इसे आधा आधा इस तरह से कट कर लेती हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं आप इसमें कि बहुत ही मिट्टी बहुत ही कम है और जड़ जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गई है। तो चलिए मैं पहले कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इस तरह से हाफ हाफ करके प्लांट को इस तरह से कट कर दिया फ्रेंड। और देखिए इसके नीचे इस तरह से पूरा ये जो है रूट का जाल जो है वो बना हुआ है फ्रेंड। और इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं ट्यूबर होते हैं और इसी में पानी जो है वो भरा रहता है। तो इतने इसके नीचे से रूट जो है वो इतनी सारी निकली है फ्रेंड और अभी भी इसमें बहुत सारी रूट जो है वो लगी हुई हैं। देखिए गमले को मैंने ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों से कवर कर दिया है फ्रेंड होल्स को। और ये देखिए मैंने इसके और भी ट्यूबर जो है हटा दिए हैं। देखिए इसमें और भी ट्यूबर जो है निकले हैं और इसके नीचे नीचे के जो पत्ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा भूसी हो गया है, तो जो नीचे पत्ते हैं उसे मैं हटा लेती हूँ। पत्ते इसके थोड़ा हम कम कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा भूसी लग रहा था ये। और जो भी पत्ते डैमेज हो चुके थे सभी को मैंने हटा दिया। प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा हेल्दी है आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का हमने इसे कर दिया है, इसके पत्ते कुछ कुछ हमने हटा दिए फ्रेंड। और देखिए अब मैं इसे रिपोर्ट कर दूँगी अच्छी सी मिट्टी बनाकर। बहुत ही कम केयर में जो स्पाइडर प्लांट है वो चलते रहता है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन एक बार हम अच्छे से मिट्टी बनाकर रिपोर्ट कर देंगे तो जो प्लांट है हमारा पूरे साल अच्छे से चलता रहता है। तो देखिए थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाल दी है और ये नॉर्मल मिट्टी ली है मैंने। और इधर थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद जो है मैं ऐड कर लेती हूँ और ये है सूखे पत्तों की खाद, तो इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और थोड़ा सा बालू जो है इसमें हम मिक्स कर देते हैं फ्रेंड। एक बार अच्छी सी मिट्टी बनाने के बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी मैंने ऐड किया है फ्रेंड। और देख सकते हैं आप ये 1 चम्मच चाय की पत्ती है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और फिर हमें बार बार इसमें कंपोस्ट देने का झंझट जो है वो नहीं करना पड़ेगा और हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। वैसे तो स्पाइडर प्लांट जो है वो रूट बाउंड पसंद करता है फ्रेंड, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए थे मैंने अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया था और इसके ट्यूबर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। आपने देखा इसके ट्यूबर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इसके ट्यूबर को हटा दिए हैं। तो फिर से जो प्लांट है मेरा ग्रोथ करने लगेगा अच्छे से। प्लांट को जब आप लगा रहे हैं तो इस तरह के चौड़े मुंह वाले पॉट में लगाइए ताकि ये जो प्लांट है इसमें ट्यूबर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और इसे निकालने में भी आसानी रहती है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अब प्लांट को मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, उसके मैंने बीच में रख दिया है। और अब हम जो मिट्टी हमने बनाई है फ्रेंड, तो इसे हम इसके चारों तरफ डाल देते हैं इस तरह से। तो स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। और अच्छी सी मिट्टी बनाइए, इसमें बालू की मात्रा जो है वो ज़्यादा रखिए। तो प्लांट को तो हमने रिपोर्ट कर दिया है फ्रेंड, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देंगे और 2-4 दिन इसे मैं छाया वाले जगह में ही रखने वाली हूँ।
सभी प्लांट स्पाइडर प्लांट को, जितने भी मेरे पास स्पाइडर प्लांट है सभी को मैंने इस तरह से उनकी मिट्टी चेंज करके और उनके रूट को प्रून करके फिर जड़ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो उसे मैंने कट कर दिया और अच्छी सी मिट्टी बनाकर फिर से रिपोर्ट कर दिया है। तो अब मैं 2 साल के लिए निश्चिंत हो गई, अब मेरा जो प्लांट है अच्छे से हेल्दी ग्रो होता रहेगा इसी पॉट में।